है 12th July 2022. सो लास्ट ईयर दिस डे आई ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट एंड दिस इज माई फर्स्ट वर्क एनिवर्सरी. एक साल कम्प्लीट हो गया है एज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. एंड सो मैंने सोचा यार थोड़े एक्सपीरियंसिस वगैरह शेयर करते हैं, एक साल में क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या क्या चीज़ों का तुम्हें ध्यान देना चाहिए इफ यू आर अ न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर. एंड इसे बोरिंग वाले तरीके से नहीं बैठ के नहीं बताएंगे, घूमते फिरते व्लॉग की तरह बताएंगे. ऑफिस तो जाना ही है, आज 11 बजे मीटिंग है एक, तो चलते हैं पहले जिम. अभी इट्स ऑलमोस्ट 9, तो जल्दी जिम से जाके वापस आते हैं एंड 10 o'clock यहाँ से निकल जाएंगे. एंड साथ साथ अपनी टीम से मिलवाऊंगा जिन्होंने हेल्प करी है ये एक साल कंप्लीट करवाने में. सो लेट्स गो. एंड क्या भाई, लोग बैंगलोर का मौसम कहते रहते हैं, तुम ये देखो, मतलब पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते से इतना प्यारा मौसम रखा है, क्या बोलो. और यहाँ पे कैब वैब मिल जाती, बैंगलोर में नहीं मिलती. वर्कआउट इज डन, अब हम चलते हैं जल्दी से नहा धोके ऑफिस. मौसम देखो तुम, बस हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, पिछले 3-4 दिन से रुक ही नहीं रही है बारिश, हल्की हल्की होती रहती है. ओके गूगल प्ले सम म्यूजिक. If you are new to technology, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीख जाओगे टाइम के साथ. थोड़ी प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, चाहे तुम कुछ भी नया सीख रहे हो, सो टेंशन मत लो. एंड इफ यू कैन डायरेक्टली आस्क पीपल फॉर हेल्प, दिल हेल्प यू आउट फॉर श्योर. तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हेल्प मांगने से कभी नहीं कतराना है, ठीक है. और दिस इज द फर्स्ट लर्निंग आई वॉन्टेड टू शेयर विद. अब एक चीज़ और थी कि आई रिमेंबर जब मैंने ज्वाइन किया था तो सबको मेरे को सर मैम बोलने की आदत थी. एंड फर्स्ट थिंग आई रिमेंबर अबाउट माई मैनेजर इरफान वॉज कि सर नहीं बोलते यहाँ पे. एंड सेम वॉज द केस विद सीनी. मैंने मतलब मीटिंग में और जब उन्होंने कॉल किया था सबसे पहले सर ही बोला था. सो दिस विल हैपन टू यू टू फॉर श्योर. अगर तुम्हारे कॉलेज में वाला कल्चर है सर मैम बोलने वाला, टेंशन मत लो. 15-20 दिन ऑकवर्ड लगता है, बट यू विल गेट यूज टू इट. दिल की धड़कन से तो जस्ट कम्प्लीटेड अ मीटिंग. अभी 12:30 से एक और स्क्रम है. स्क्रम का टाइम चेंज हो गया, 3:30 से 12:30 हो गया. सो द सेकेंड थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू इज कि कभी भी क्वेश्चंस पूछने से घबराना नहीं है, ठीक है. कितना भी सी लियो बट यू गेट टू लर्न समथिंग एंड इट इज़ पॉसिबल कि तुम्हें नहीं पता वो चीज़ है, ठीक है. आई यूज टू आस्क सिली क्वेश्चंस आई नो, बट हाँ पीपल आर हेल्पफुल इनफ, दे विल टेल यू कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई व्हाट इज हैपनिंग. कुछ भी तुम पूछना तुम पूछ सकते हो, नो क्वेश्चन इज सिली, ठीक है. तुम्हारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि तुमने क्या पता वो चीज़ पहले ना करी हो इसलिए तुम्हें सिली लग रहा हो. तो ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन वट एवर कम्स टू योर माइंड. कभी ऐसे टेंशन वेंशन नहीं लेनी है. चलो अब काम स्टार्ट करते हैं. उठते मीटिंग स्टार्ट हुई थी आज तो. Swati and Swati ने मेरे को दिया 1 year anniversary पे ये chocolate. So he completed his 1 year today at Microsoft in PIM. So congratulations Nishant, कल मेरा है. कल है? हाँ. Thank you. काफी सही. और she is the most helpful person. तब भी कुछ problem होती थी ना तो Swati को ping करो. Swati कुछ ना कुछ solution बता देती थी. Helped in flat hunting, helped in everything. Go to person. Reach out to me. हाँ माइक्रोसॉफ्ट वाले तो कर ही सकते हो, बाकी का पता नहीं. Cool, right. Also एक और चीज़ कि यू कैन से नो. नो बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती. आई कैन शेयर एन इंसिडेंट. क्या हुआ था, मेरे को फर्स्ट टास्क जो मिला था तो मैंने उसकी बहुत शॉर्ट डेडलाइन दे दी थी कि मैंने को लगा 2 हफ्ते में कर दूँगा, तो कुछ है ही नहीं, बहुत छोटा सा काम है. बट मैं जब मैंने स्टार्ट किया तो पता चला काफ़ी टाइम लगेगा इसमें एंड वो पूरा जो एक्सपीरियंस था सही नहीं था. सो यू कैन से नो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार इस वाले टास्क को थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग सकता है, टाइम चाहिए एंड तुम्हें ये वाली चीज़ सही नहीं लग रही. तुम अपने सजेशंस वगैरह दे सकते हो एंड कभी भी रुकना नहीं है, मतलब कि भाई नहीं देना है नहीं बताना है. जो तुम्हारे को लग रहा है कि ये वाली चीज़ सही है, यू कैन ऑलवेज से कि दिस इज़ बेटर देन दैट एंड वाई इज़ इट बेटर. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना.
ठीक है, सो मीट दिशा, शी इज द वन जिसने सारी हेल्प करी है फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम डे वन, नॉट वन बट हाँ आफ्टर सम टाइम. पहले तो आई वाज ऑकवर्ड इनफ टू आस्क एनीथिंग, एंड आफ्टर दैट जब मैंने पूछना स्टार्ट किया तो शी हेल्प मी विद एवरीथिंग, इवन छोटी छोटी गिट कमांड्स कि भाई ये क्यों नहीं चल रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड शी यूज्ड टू डू इट वेरी पेशेंटली. And thank you so much, Disha. I've had the best year with you, so thank you. And she's like a mummy puri bhai. She's like, ki khana kha liya. I don't have a cook at my house, so I come to their house to eat sometimes. Jab mereko sahi mein raat ko bhook lagti hai. And she's like, ki aaj bhi aa ja, kal bhi aa ja. And she's from Manipal. She interned at Microsoft and Adobe and got PPO from both. Pro level coder. And she helps out with everything. Sir. फोर्थ चीज ये है कि जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं मैं पूरे टाइम लैपटॉप के सामने बैठ के कुछ ना कुछ कोड करना होगा, ये होगा वो होगा, एंड काफी लोगों को ये डाउट होता है कि डेवलपर वर्सेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर में डिफरेंस क्या होता है. तो द मेजर डिफरेंस इज कि डेवलपर्स को बस पकड़ा दिया जाता है कि भाई ये कर दो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का मोस्टली काम होता है कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, दिल गिव यू अ प्रॉब्लम तुम्हें वो सॉल्व करके देनी है. डेवलपर्स आर मोस्टली उनको बस चीजें डेवलप करके दे देनी होती है, मतलब ये थोड़ा डिफरेंस होता है. तो जॉब इज मोर अबाउट लाइक गेटिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन. जैसे अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट बता दूं कि मैं 2-3 दिन से एक बग के पीछे ऐसे लगा हुआ था कि ठीक करना है और वो नहीं हो रहा था, काफी चीजें ट्राई करी नहीं हुआ. फिर अचानक से मैं संडे को बैठा हुआ था यार ये चीज ट्राई कर सकते हैं, मतलब सोच नहीं रहा था, ऐसे रैंडम थॉट आया ये चीज ट्राई कर सकते हैं इससे हो जाएगा, एंड मंडे को मैंने ट्राई किया हो गया सॉल्व. तो ऐसे कभी भी कुछ भी आ जाता है दिमाग में, और मतलब एट द एंड ऑफ द डे तो बस प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है. ऑल्सो भाई डे इन अ लाइफ वाली वीडियो में 90% 60-70% बस कमेंट यही हो रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में मैकबुक यूज कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वर्क ऑन एन iOS ऐप. iOS डेवलपमेंट सिर्फ मैकबुक में हो सकती है, दैट्स व्हाई आई हैव अ मैकबुक, दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन अ मैकबुक. ठीक है, सेकंड चीज जो बतानी थी कि एक और लर्निंग जो है मेरी, यार मोस्टली तुम्हारा काम ये नहीं होता कि बस तुम्हें बैठ के कोड करना है. ठीक है, एक्चुअली द वर्क इज की तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढना एंड बेस्ट सॉल्यूशन उसका लाइक कोड कर देना. जो हम DSM में इतना पढ़ते हैं ना, वो उसका यही मोटिव है वो चीज़ का, कि मल्टीपल सॉल्यूशंस में ऑप्टिमाइज्ड कौन सा, सबसे बेस्ट कौन सी अप्रोच होगी, वो सब कैसे फिगर आउट करना है, वही यहाँ पे मेन चीज होती है, वही करना होता है. जैसे मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, रिसेंटली मैं एक बग पर काम कर रहा था एंड 2-3 दिन लग गए, मतलब 2-3 दिन नहीं 1-2 दिन लग गए, बट कुछ अच्छा सॉल्यूशन नहीं आ रहा था. मल्टीपल चीज़ें ट्राई करी एंड ऐसे मैं संडे को बैठा था, कुछ और काम कर रहा था, रैंडमली एक थॉट आया कि अच्छा इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं. मैंने कहा चलो मंडे कल है ही, कल बैठ के ट्राई करते हैं. ट्राई किया और वो फिक्स हो गया. तो वही है कि बेस्ट चीजें, सारी चीजें ट्राई करो. सोचना बहुत ज्यादा होता है, पूरे टाइम ऐसे कोड नहीं करना होता कि ऐसे 12-12 घंटे कोड कर रहे हैं, नहीं, कोडिंग का काम कम ही होता है, इतना ज्यादा नहीं होता. एंड वी आर बैक होम आफ्टर सारा काम वाम. आज बहुत ज्यादा मीटिंग्स, बहुत ज्यादा नहीं मतलब 3 मीटिंग थी सारी 1-1 घंटे की, तो काफी ज्यादा ही हो गई वो मीटिंग्स. बट द डे वॉज प्रीटी गुड, काफी सारी चीजें नई सीखने को मिली, काफी सारी चीजें करी, एंड कंप्लीटेड 1 ईयर अचीवमेंट. एंड यूट्यूब पर भी 2 साल होने वाले हैं वैसे कुछ महीने में, बट हाँ really happy. एंड एक लास्ट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक मिसकंसेप्शन होता है काफ़ी ज़्यादा कि यार यूट्यूब वीडियोस में, इन जनरल टीवी सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं ना कि बॉसेज आर ऑलवेज बिहाइंड यू, हंटर लेके पीछे पड़े हुए हैं, तुमसे काम करवा रहे हैं, काम कंप्लीट नहीं होता जॉब से निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है. ठीक है, जनरली दे आर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. तुम कुछ गलती करते हो, दे हेल्प यू आउट टू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन. एंड हर चीज़ में दे आर ऑलवेज हेल्पिंग यू आउट टू ग्रो एज अ पर्सन, टू ग्रो इन योर करियर. एंड तुमसे पूछते रहते हैं, जैसे यू हैव 1-on-1 एवरी मंथ, उसमें अगर तुम्हें बताना है कि यार ये चीज़ सही नहीं थी या फिर ये बढ़िया था, यू हैव सजेशंस, यू हैव एनीथिंग, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें कुछ भी हो रहा है, तुम जाके उनसे पूछ सकते हो, तुम उन्हें बता सकते हो कि मेरे को ये चीज़ सही नहीं लग रही. एंड यू कैन आस्क फॉर फीडबैक, एंड उस फीडबैक से यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ. तो ये चीज़ मेरे को एक्चुअली काफ़ी अच्छी लगी. एंड मिसकंसेप्शन होता है काफ़ी लोगों का, ऐसा होता होगा कॉर्पोरेट में तो ये होता होगा वो होता होगा, नहीं होता ऐसा. द इन्वायरमेंट इज रियली गुड, चाहे वो तुम्हारे टीममेट्स हों, चाहे वो तुम्हारे मैनेजर्स हों, मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन द टीम, टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी, बट माय एक्सपीरियंस वाज रियली गुड फॉर द पास्ट 1 ईयर. मेरे को जो भी मिला है सब सपोर्टिव मिले, इवन इन वर्क और यूट्यूब दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, एंड आई रियली 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 लव इट. सो दीज वर द 5 थिंग्स जो मुझे तुम्हें शेयर करनी थी, लर्निंग्स बोल लो या फिर ऑब्जर्वेशंस बोल लो, तो यही है मोस्टली. तो 1 ईयर कंप्लीट हुआ था ना, आई थॉट कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से तुम्हारे साथ अपनी लाइक नॉलेज है या फिर ऑब्जर्वेशन है जो चीज़ें हैं वो सारी शेयर करते हैं. तो आई होप तुम्हें ये वाला तरीका पसंद आया होगा. पसंद आया तो जाकर तुम कमेंट्स में बता सकते हो. मिक्स ब्लॉग प्लस इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट, एंड एक जगह बस बैठ के नहीं कर रहे थे, घूमते फिरते कर रहे थे, अलग अलग बैकग्राउंड चेंज हो रहे हैं, अलग अलग लोगों से भी मिलवाया मैंने काफ़ी तुम्हें. एंड या दैट इज़ इट.
really loved the whole 1 year and like even better journey ahead I feel. तो बस इतना ही था आज वाली वीडियो में. काफ़ी चीज़ें और तुम्हारे साथ शेयर करेंगे धीरे धीरे. बस मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए.